चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज ही पार्सल आया है सुबह सुबह, देखते बॉक्स में क्या है। चलिए अनबॉक्स करते हैं। साइड में पूरा एसएस मटेरियल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर उसका लीवर दिया है और ऐसे खींचकर ऐसे रखना है और यहाँ पर पेंसिल रखनी है बीच में। सर इसमें मैंने देखा कि पेंसिल अच्छी तरह से साफ हो जाती है। पहले मैं यूज़ करता था ऐसे वाला शार्पनर, ऐसे वाला। अब शौक चढ़ा है तो यूज़ करते हैं, देखते हैं। इसे बोलते हैं टेबल टॉप शार्पनर, जिसमें पीछे एक लीवर दिया हुआ है जिससे अपन साफ कर सकते हैं पेंसिल को, और यहाँ से खींच कर बीच में पेंसिल रख सकते हैं और ऐसे ऐसे। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है इसे। और इसमें साथ में एक स्क्रू माउंट भी दिया है जिससे हम टेबल के साथ अटैच कर सकते हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं। और इसकी प्राइस मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कितने में पड़ा मुझे ये। ठीक, काफ़ी पेंसिल साथ में रखी है मैंने ताकि आप लोगों को दिखा सको कैसे इसे साफ करते हैं। पहले एक रोल नॉर्मल शार्पनर से शार्प करके देखता हो और दूसरा इस वाले शार्पनर से करता हो, तो आप ही आपको कंपैरिजन पता चले। यहाँ पर मैंने 3-4 पेंसिल रखी है जिसकी निब टूटी हुई है तो कम है, तो इसको साफ करते हैं दोनों शार्पनर से, तो कंपैरिजन कर सकते हैं हम के शार्पनर कैसा है। पहले मैं इस रेगुलर वाले शार्पनर से साफ करता हूँ। ये वाले लेते हैं, इसकी नोब इतनी है, देखते हैं। ये रेगुलर वाले शार्पनर से हमने साफ किया, ठीक है। ये साइड में रखते हैं, इस वाला शार्पनर को यूज़ करते हैं। इस यूज़ करने के लिए पहले ये साइड वाला जो लीवर है उसको दबाना है और पीछे ले आना है, ठीक है। बाहर आ जाता है, उसके बाद दिख रहा है यहाँ पर पेंसिल को रखना है, यहाँ पर दबा कर अंदर जाने देना है, ठीक है। और इसको घुमाना है, ये पेंसिल दोनों ये नए वाले शार्पनर से टेबल टॉप शार्पनर से ये रेगुलर वाले से, तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि एक नॉर्मल इरेजर से कितना होता है, नॉर्मल शार्पनर से कितना होता है और ये टेबल टॉप शार्पनर से आप देख पा रहे होंगे एकदम स्मूथ फिनिशिंग देता है ये और अच्छा शार्प करता है, तो मुझे तो पसंद आया है। अमेजोन से मैंने परचेस किया है और ये मुझे 500 रुपये में पड़ा। इसके नीचे जो जो भी कचरा आता है वो इसमें रख सकते हैं, पेंसिल का जो भी फोम आएगा वो इसमें रख सकते हैं और फेंक सकते हैं बाद में। मतलब एक मैकेनिकल टाइप शार्पनर है जिसे आप डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं, और ये थोड़ा हेवी है और पूरी स्टील बॉडी है। अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हैं, क्वालिटी सही है एकदम। टेबल पर कैसे अटैच करना है वो भी दिखा दो। चलिए, ये इसका टूल दिया गया है,
खोल देते हैं, पहले इसमें अटैच कर देते हैं, नीचे होल दिया उसमें और नीचे नीचे कर देंगे सर, स्क्रू को टाइट कर देना, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट करिएगा ताकि शार्प करने में आपको आसानी रहे। चलिए इसको साफ करते हैं। अब ये सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे टेबल पर हमने अटैच कर दिया ना, इसलिए ठीक है। अब इसको डाल देते हैं, अब देख सकते हैं इसकी नॉब दिखे एकदम कट टू कट एज जैसा है। मुझे तो काफ़ी ये पसंद आया, अगर आपको लोगों को भी परचेस करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।